चलो जी, यहाँ पे जोहान मोबाइल देख रहे हैं। अभी मैंने जोहा की ऑयलिंग करनी है, मैं इसके लिए कंघी लेकर आई हूँ। ये वाली है देखें, ये मैं कंघी लेकर आई हूँ जोहा के लिए। तो अभी मैं इसे पहले मैं कुछ पका रही हूँ अपने लिए, और फिर मैं इसके जो है ना इसे कंघी करके इसके ऑयल लगा के पूरी कंघी करूँगी। जाओ भाई के साथ खेलो, भाई को देख रहे गिरेगा। ठीक है, जाओ वहाँ जाओ, ठीक है जाओ। अच्छा जी, मैं कुछ सामान लेकर आई थी, मेरा सामान काफ़ी ख़त्म हो गया था। सबसे पहले मैं जोहा को बिरयानी दूँ, क्योंकि हम जो चीज़ें खाते हैं ना वो बच्चे खाते नहीं हैं। फिर ना जोहा ने ना शाम हो रही है, जोहा ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो सबसे पहले मैं जोहा को बिरयानी डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये पुदीना, ये चार अंडे, दही मंगवाया, ये गरमा लेकर आई हूँ मैं फ्रूट में। और यहाँ पर कुछ कुर्बानी लेकर आई हूँ, ये देखिए। साथ में ये सब्ज़ी है मेरी, बंद गोभी है, और यह है शिमला मिर्च, और यह है तुरई। तो तुरई भी मैं बनाऊंगी कल, आज मैं बना रही हूँ ये दोनों सब्ज़ियाँ ना, और बिल्कुल कम ऑयल में, क्योंकि मैं हूँ डाइट पे, तो बिल्कुल कम ऑयल में। और मैंने आज पूरा दिन क्या खाया मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, और कितना मेरे मैंने वेट लूज़ किया ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। पहले मैं इनको कट करती हूँ धो के, और यहाँ पर मैं लाई हूँ कुछ खीरे और ये भी, ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। चलो जी, यहाँ पर आ गई बिरयानी। चलो भैया अपनी बिरयानी, चलो मम्मा बन गई क्या? बन गई क्या? आई हूँ, जाओ खाओ, बैठो बैठो, पूरी फिनिश करनी है। ठीक है, बोटी पूरी, अच्छा हाँ से करो, बोटी पूरी खानी है। अच्छा ले दे दो। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ सब्जियों के साथ। जोहा ये चीज़ लेकर आई थी अपनी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबके इतनी प्यार से, दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो आज मैं बताने लगी हूँ, मैं आपको अपना प्लेन वेट दिखाती हूँ, मेरा वेट कितना लूज़ हुआ ये देखें आप। ये देखें मेरी टमी जो है ना बिल्कुल अंदर चली गई है, सिर्फ बेली फैट थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा क्या काफ़ी है। तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट में क्या करूँगी। आज मैं आपको सब दिखाऊंगी कि मैं कितनी वॉक कर रही हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मैं खाने में क्या ले रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं भी बना के आ रही हूँ इस वक्त। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो काटी है कुछ सब्ज़ियाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है ना अपनी बंद गोभी और मैं अपना शिमला मिर्च काट के ना इतना बनाया कि सिर्फ मैं खाऊंगी, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता ये। तो मैं अपने लिए बहुत कम ऑयल में और बहुत कम मसालों में मैं बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने काट लिया प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, साथ में डालेंगे थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें कुछ मसाले डालेंगे बता दूँगी। अच्छा, मैं ग्रीन टी कौन सी पी रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मंगवाई हुई है जी लेमन ग्रास, ये देखें टपाल की ग्रीन टी है लेमन ग्रास। इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, इसमें मैं डालती हूँ, मैं दो गिलास पानी लेती हूँ बड़े वाले, जिसमें से एक गिलास ले जाता है तो मेरा बड़ा कप जो है ना गिलास के बराबर है। तो उसमें पानी है, मैं पहले ये डालती हूँ एक चम्मच, उसके अंदर मैं डालती हूँ ये ना मेरा अजवाइन है, नीचे अजवाइन और ऊपर है ये दार चीनी का पाउडर, ये मैंने पाउडर बना के रख लिया दार चीनी का, ये ऐड करती हूँ। साथ में ज़ीरा और सौंफ, ठीक है जी। फिर ये पकता और अदरक, ये पकता रहता है, थोड़ा टाइम पकाती हूँ 15 से 20 मिनट आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे, उसका पूरा अरोमा पानी में आ जाता है हमारी ग्रीन टी में। फिर उसमें मैं डालती हूँ उसको, मैं फिर कप में निकाल लेती हूँ, और कप में मैं डालती हूँ लेमन, दो मैं लीमू निचोड़ती हूँ उसके अंदर, और मैं वो डाल के उसको मिक्स करके नहार में पीती हूँ। ठीक है, जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं ये वाली ड्रिंक लेती हूँ, ठीक है जी। और इसको रात के खाने के बाद लेनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं लेती क्योंकि हमारे इसका गेस्ट चली जाती है, तो मैं नहीं पाती, मैं दिन में एक दफ़ा ही लेती हूँ खाली पेट बस, ठीक है जी। अब हम और खाने में मैं सुबह नाश्ते में बॉयल अंडे ले लेती हूँ, या मैं ऑमलेट ले लेती हूँ, कभी कभी मैं एक स्लाइस ले लेती हूँ, एक स्लाइस बस, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, अगर मैं कुछ खा भी लेती हूँ तो मैं बहुत लिमिटेड में खाती हूँ, ठीक है जनाब। अभी 2 दिन से मैं तिक्का खा रही थी, रूखा तिक्का खा रही थी, आधी रोटी के साथ खा रही थी, तो आज मेरा दिल कर रहा मेरा कुछ वेजिटेबल बनाऊँ अपने लिए, जो मेरे डाइट भी ख़राब ना हो, मेरा पेट भी फुल हो जाए। और इसलिए मैं कभी जैसे आज मैंने ये खा लिया तो कल मैं ये स्किप करके सुबह नाश्ता नहीं करूँगी, तो फिर मैं ये गर्मा खा लूँगी। और साथ में मैंने ये पुदीना और हरी मिर्च धो के रखी है, इसका मैं बनाऊंगी एक बाउल भर के रायता। दही लाई हूँ मैं एक ये कटोरी भर के दही, और साथ में इनको पीस के ना जीरा डाल के इसमें अपना मज़ेदार सा रायता बनाऊंगी, क्योंकि खाली दही खाया नहीं जाता तो बंदा इसमें डाल के ना खा लेता है, इसमें कूट के ना फ्रेश
इसमें जीरा भी डालूंगी और फिर मैं दही मिलाऊंगी तो ये हमारा मज़ेदार सा रायता बन जाएगा, साथ में हमारा एक खीरा हो जाएगा, तो ज़बरदस्त सा पेट भी आपका फुल हो जाएगा, ये भी नहीं कि भूख लगेगी। साथ में आप आधी रोटी ले लो, बड़ी है तो, और छोटी है तो आप एक रोटी ले सकते हो, ठीक है। इसमें पेट भर जाता है जब इतना चीज़ें होंगी, आपका दही का रायता होगा, सलाद होगा, फिर सब्जी होगी आपकी, तो आपका पेट तो ज़ाहिर है भर ही जाएगा। जल्दी से इसको बनाते हैं, मैं कैसे बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाल लेना है। ऑयल आपने कोई ऑलिव शॉलिव ऑयल नहीं लेना है, आपने नॉर्मल घर का ऑयल लेना है, इतनी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप घर में कुछ भी बनाए ना सालन, आपको स्पेशल कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में कुछ ही बनाए वो थोड़ा सा ले लें, और रोटी बस आप जो इतना खाना खाते हैं उससे हाफ कम कर दें बस। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आधी रोटी खाएँ, अगर दो रोटी खाते हैं तो आप एक रोटी खाएँ, बस इतना सा है फंडा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया थोड़े से ऑयल में, फिर उसे मैंने एक प्याज को कच्ची पक्का करना है, ज़्यादा नहीं हमने उसको करना, हमने हर चीज़ को क्रंची रखना है, अपनी जितनी भी वेजिटेबल है उनका हमने ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने अपने प्याज में अदरक लहसुन का एक चम्मच शामिल कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट का, और इसमें मैं डाल दूँगी अब दोबारा से अपनी ये जो हमने काट के रखी थी अपनी वेजिटेबल, शिमला मिर्च और बंद गोभी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे मसाले अपने सारे। इसमें हमने क्या मसाले डालने हैं, इसमें हमने डालना है जी नमक, कुटी हुई मिर्च और हल्दी, बस ये तीन चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। नमक आप कम डालें, ठीक है, और मिर्च अपने हिसाब से डालें जितना आप खाना पसंद करते हैं। मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून से भी कम की थी, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाली है हल्दी पाउडर, साथ में नमक अपने हस्बैंड द्वारा डाला है। इसको मिक्स करके इसमें आप डाल देंगे जो हमने अपने टमाटर और हरी मिर्च जो कट करके रखी थी वो डाल देंगे। हरी मिर्च जो है मेरी मोटी वाली है, वो तेज़ नहीं होती, मैं एज़ अ फ्लेवर के लिए सिर्फ मैंने यूज़ की है। अब अच्छा इन चीज़ों को भी मिक्स करके इसको ढक के पकाएंगे हम 4 से 5 मिनट बस, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगी और हमने उसको उतार लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना वरना इसका जो है ना सारे विटामिन्स ख़त्म हो जाएंगे और ये इसका क्रंचपना भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलो जी सालन मैंने चढ़ा दिया, ये देखिए सालन मेरा चढ़ गया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ढक दिया इसको, ये पकता रहेगा। अब मैं बनाने लगी हूँ अपना दही का रायता, ताकि मेरा खाना टाइम से पहले तैयार हो जाए। करते करते भाई मुझे 8 बजाते हैं, हालांकि मेरी कोशिश थी मैं 8 बजे तक खाना खा लूँ रात का, और फिर उसके बाद मैं करती हूँ उसके 2 घंटे बाद वॉक अपने ही घर में, आधा घंटा मैं करती हूँ, लेकिन अब मैं उसकी ना बढ़ाऊँगी टाइम पीरियड ना, आधे घंटे से मैं उसको 35, 40, 45 पे लेके जाऊँगी, ताकि ऐसा करते करते मैं 1 आवर तक आ जाऊँगी, ताकि 1 घंटा मैं डेली बेसिस पे अपना वर्कआउट करूँ। अब जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपना रायता बना रही हूँ, साथ में जब मेरी पूरा खाना तैयार रहेगा मैं आपको दिखाऊँगी अपनी प्लेट कि मेरे खाने की इस तरह की प्लेट है, जिसमें वेट बढ़ाने वाला कुछ भी खास नहीं होगा, वेजिटेबल से कोई वेट नहीं बढ़ता, आप इसको रूखा भी खा सकते हो, ठीक है जनाब। और रोटी, हाँ रोटी आप हाफ लेंगे, मैंने चपाती मंगवाई है बाहर से, वो वैसे इतनी पतली होती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं उससे भी आधी लूँ उसका भी, और बाकी मेरा पेट इसलिए फुल जाएगा कि मैं देखा रहा था चम्मच से खा लूँगी, साथ में सलाद हो खीरा होगा मेरा, तो मुझे मेरा पेट वैसे ही ऑलरेडी भर जाएगा उससे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपना बनाती हूँ देखा रहा था। तो जैसे मैंने डाल दी है हरी मिर्च, ठीक है काट के, और ये है हमारा पुदीना जो कि मैंने धो लिया था ताकि मट्टी ना हो, उसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ज़ीरा, तो आपको पता है जीरे से तो फिर कितना ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और वेट लूज में भी हमारा ज़ीरा हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। चाकू बटा मेरे पास है नहीं तो मैं इसलिए इसको अपने बेलन से जो है ना इससे ही मैं इस तरह इसको कूटूंगी ऐसे ही, देखें ये देखें। चलो जी यहाँ पे ये मेरा मैंने कूट लिया है इसको, ये देखें। अब यहाँ पे मैंने दही भी निकाल लिया है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें मिक्स करेंगे अपना पानी, आराम से ये देखिए मज़ेदार सा हमारा दही का और पुदीने का जीरे का रायता तैयार है। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं जो आपको दिल करे, आप ज़ीरा भून के भी डाल सकते हैं, जिस तरह का फ्लेवर आप खाना चाहते हैं आप उस तरह से खा सकते हैं। ये देखें ये हो गया हमारा रायता रेडी, यहाँ पे हमारा खाना भी देखें, ये देखें बस इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, और अपना सलाद काट लेते हैं तो हमारा खाना हो गया रेडी। तो कितना प्यारा लग रहा है कलरफुल सा, अच्छा दिखने में जो अच्छा लगता है वो खाने में भी उतना मज़े का लगता है। चलो जी यहाँ पे ये देखें ये मेरी प्लेट रेडी हो गई है, ये मेरी रोटी है, ये देखें
ये चपाती है, ये मेरी सब्जी, सब्जी मैंने ली है ज़्यादा, और देखो सबको सारा सा मैंने खीरा लिया है, साथ में है मेरा रायता। ये है मेरे रात का खाना। अब इसको खाने के बाद, इससे पहले मैं पीऊँगी एक गिलास भर के पानी ताकि मेरा पेट थोड़ा उससे फुल हो जाए, फिर उसके बाद मैं ये खाऊँगी। खाने के बाद उसके एक आधे घंटे तक पानी नहीं पीऊँगी, आधे घंटे पानी पीने के बाद फिर एक घंटा डेढ़ घंटा वेट करके फिर मैं करूँगी अपनी वॉक स्टार्ट और अपनी एक्सरसाइज, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, मैं आ गई हूँ अभी रूम में और मैं जोहान मेरे पास बैठ गया, क्योंकि ये बेड से जो है ना छलांगे मार रहा था, मैंने कहा गिर जाएगा। तो ये देखें, आप लोग बताइएगा आपको मेरा वेट कम लग रहा है, मुझे तो बहुत लग रहा है, क्योंकि मेरी कुछ कमीज़ें, मुझे इतनी फिटिंग हो रही थी पेट से जो है ना, वो अब थोड़ी सी मुझे इंचीज़ में लूज़ होना शुरू हुई है, और ये देखकर ना बड़ी खुशी सी हो रही होती। चलिए अभी अपना खाना फिनिश करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह खाना खाने के बाद अपनी एक्सरसाइज में और वॉक में, कि हम क्या करते हैं कैसे करते हैं। और इंशाल्लाह कल आपको ना मैं ग्रीन टी की रेसिपी भी दूंगी, जब सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगी ना पूरा मॉर्निंग का। किसको देखना है मुझे कमेंट बताएगा, कमेंट ज़्यादा हुए आप लोगों के तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ओके जी, यहाँ पे मैं खाना खा चुकी थी। खाना खाने के एक घंटे बाद मैंने अपनी की वॉक स्टार्ट। वॉक में करती हूँ अपने ही घर में, टाइम मैंने सेट कर दिया था अपने मोबाइल में। मैंने 30 मिनट्स की वॉक की थी और 10 मिनट का मैंने किया था एक्सरसाइज, तो टोटल मेरा 40 मिनट्स का वर्कआउट हुआ था। वॉक करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दी है एक्सरसाइज शुरू। यहाँ पे मैं साइड की करती हूँ, ये आपकी जो साइड की कमर का फैट है ना उसको ख़त्म करती है और उसको शेप में लाती है। तो यहाँ पे मैं 30-30 के सेट लगाऊंगी, हर एक्सरसाइज के 30-30। ये मैंने 3 दफ़ा करना है, मतलब हर एक्सरसाइज को मैं 30-30 मरतबा करूँगी और फिर 1 मिनट का रेस्ट लेके दोबारा से सेम स्टार्ट करूँगी सेट। तो इस तरह मैं 3 सेट करती हूँ 30-30-30 के, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है जी, सो ये जंपिंग जैक करने के बाद फिर मैंने की अपनी ये पेट की एक्सरसाइज, एब्डोमिनल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं ना, ये साइड्स, ये मैंने इस तरह करके, इससे भी आपका जो बेली फैट है ना बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। लेकिन आप करें इसको कंटिन्यूसली, यानी कि एक दफ़ा करके दो, लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि आदत नहीं होती तो पेन होता है, लेकिन आप रेगुलर बेस पर करेंगी तो वो ठीक हो जाएगा और आपकी बॉडी को, आपके लेग्स को आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद मैं हो गई थी फ्रेश, फाइनली एक्सरसाइज वगैरह करके मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। बस मुँह तो क्या, क्योंकि पसीने में बहुत शराब हो गई थी, मुँह तो क्या हूँ फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं चेंज करूँगी और सोने की तैयारी करूँगी। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, टाइम हो रहा है 11:25। मैंने 10:40 पे मैंने स्टार्ट किया था, 10:40 पे मैंने पूरा 50 मिनट का वर्कआउट किया, जिससे मैंने 40 मिनट की मैंने वॉक की थी और मैंने 10 मिनट का मैंने एक्सरसाइज वगैरह की अपनी। मैंने हर उसके एक्सरसाइज के 30-30 काउंटिंग करके 3 सेट लगाए, 3 सेट। बस ये मेरी रूटीन है। अगर आप इतना, आप 40 मिनट वॉक भी कर लेते हैं वो भी आपके लिए इनफ है, भले एक्सरसाइज ना करें, लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ हमारी बॉडी शेपिंग के लिए अच्छी होती है, ये बॉडी शेप अच्छी हो जाती है उससे ना। तो बस ये है, तो मेरा आज का ये था थोड़ा सा। अब आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना डेट्स रखा करके। कल की मैं आपको रूटीन दिखाऊंगी, कल मैं आपको अपनी रूटीन दिखाऊंगी, मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं पीती हूँ, जो मैंने ग्रीन टी पीती हूँ, वो पूरा मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।